नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं यूरेका फोर्ब्स का क्विक क्लीन डीएक्स वैक्यूम क्लीनर का। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूं। ये जो वैक्यूम क्लीनर है, ये मैंने 2 साल पहले खरीदा था, तो 2 साल पहले ही अनबॉक्सिंग हो चुका है। और जो भी आप अनबॉक्सिंग का वीडियो देखते हैं, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, उसमें क्या होता है, वो नया नया चीज होता है। जब से अनबॉक्सिंग, उसके बाद रिव्यू करना तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहले उसको यूज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 2 साल यूज किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपका काम का वीडियो है। तो आपको पहले दिखा देता हूँ इसके साथ क्या क्या आता है। ये है सारी एसेसरीज। सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें आपको 3 ऐसा डस्ट बैग मिलेगा जो फ्री है इसके साथ। और ये जो पाइप है, ये भी बहुत लंबा है। 2 पाइप और मिलता है, जिससे आप उस पाइप को और भी लंबा कर सकते हैं। और साथ में आपको ये कारपेट ब्रश मिलेगा। इसके बारे में आपको ठीक से दिखाऊंगा। एक छोटा सा ब्रश है अलग अलग यूज़ के लिए, और ये छोटा ब्रश है कॉर्नर के लिए। तो चलिए पहले इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा मेन वैक्यूम क्लीनर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और इसका सबसे खासियत है, आप इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कार में भी यूज़ कर सकते हैं, जो अभी मैं करके दिखाऊंगा। और उसके लिए ये पाइप ही काफ़ी है। और ये 1200 वाट का एक वैक्यूम क्लीनर है। इसके अंदर 1200 वाट का मोटर है। और इसका जो सरफेस है, बहुत शाइनी है, देख के बहुत अच्छा लगता है। और इसमें 3 व्हील्स मिलेगा आपको। यहाँ पे एक, दूसरे साइड में यहाँ पे एक, और नीचे यहाँ पे एक, जो सफाई के दौरान बहुत काम आता है। आपके पीछे पीछे से आएगा, जैसे आप साफ करेंगे, ये आपके पीछे आएगा। तो चलिए थोड़ा पास से देख लेते हैं इसको। इसमें एक हैंडल दिया गया है, तो आप हाथ में ऐसे लेके भी आप ऐसे साफ कर सकते हैं। और ये सामने का जो है, इसके अंदर डस्ट बैग रहता है। ये जो डस्ट बैग है, इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके ऊपर उठाएंगे, तो ये गाड़ी के बोनेट जैसा खुल जाता है। तो अंदर में ये जो है, इसको निकाल सकते हैं। इसी में आपको ये डस्ट बैग लगाना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और सबसे अच्छा बात, इसमें अगर डस्ट बैग नहीं हो तो ये बंद नहीं होता है। देखिए, ये बंद नहीं होगा, जिससे ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना डस्ट बैग डाले ही आप सफाई करना शुरू कर दें। तो ये अच्छा बात है, बिना डस्ट बैग के ये बंद नहीं होता है और आप काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। जब अंदर में ये जो डस्ट बैग है, ये जब फुल हो जाता है, तब ये लाल हो जाता है। मतलब डस्ट बैग इंडिकेटर, मतलब डस्ट कब फुल होता है आपको पता चलेगा इससे। ये देखिए, यहाँ पे वो जो रेड मार्क है वो सामने आएगा, उसका मतलब है आपका डस्ट का बैग फुल हो गया है। और ये जो 2 बटन है, ये है पावर ऑन ऑफ के लिए, और ये है जो केबल है, पावर केबल, उसको अंदर डालने के लिए। इसको दबाने से ही अंदर आ जाता है। जो केबल है यहाँ पीछे, आप देख सकते हैं, इसके अंदर है। ये एक बहुत लंबा वायर है, लेकिन ये देखिए कैसे आसानी से अंदर में है। वायर का कोई झंझट नहीं है, जब ज़रूरत होगा तब इसको निकालना है। ये जो है, आपको पहले ही बताया मैंने, कार के बोनट जैसा खुल जाता है। इसके अंदर ये बैग को डालने के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद अंदर में ये खुला एरिया है। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है एक एयर फिल्टर है। ये एक एयर फिल्टर है। इसको आप साफ, बीच बीच में साफ करके इसको अंदर में डाला कीजिए, तो ऐसे आसानी से ये अंदर बाहर हो जाता है। तो ये रहा बैग। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, वो जाएगा यहाँ पे ऐसे चला गया। और ये 2 हिस्सा है, ये अभी वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाएगा। यहाँ पे लगा के नीचे दबाना है, तो लग गया। आप देख सकते हैं, ये डस्ट बैग अंदर चला गया है। तो अभी इसको बंद करेंगे, तो बंद हो गया। और इसके पीछे भी एक एयर फिल्टर है, आप देख सकते हैं। इसको भी बीच बीच में आप साफ किया कीजिए। इसको खोलने के लिए नीचे दबा के ऐसे खोलना है। यहाँ पे एक स्पॉन्ज है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें धूल जमा हो जाएगा, तो इसको साफ कीजिए। और इसको भी धो सकते हैं आप, पीछे वाला नेट को, और अंदर में इसको भी थोड़ा साफ कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर से लगा देता हूँ उसको।
देखिए चला गया। और ये जो है, ये मैंने बोला था आपको, ये प्लग है, ये अंदर ऐसे घुसा रहता है, इसको खींचने से बाहर आएगा। ये बहुत लंबा है, मैं दिखाऊंगा कितना लंबा है। तो ये बाहर निकला हुआ है, तो अभी मैं इसको दबाऊंगा, ये अंदर चला जाएगा। देखिए अंदर चला गया, जितना भी लंबा बाहर हो ये अंदर चला जाएगा। तो नीचे क्या है देख लीजिए, तो नीचे ऐसा है, ये व्हील है जो एनी डायरेक्शन में घूम सकता है, और ये दो छोटा व्हील है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का डिटेल्स वगैरह। और ऊपर में ये आपको हैंडल के ऊपर आपको एक बटन जैसा दिखेगा, ये बटन नहीं है एक्चुअली, ये बटन नहीं है, एक डिज़ाइन है। इसमें ये जो बैग है, ये बैग बहुत अच्छा है, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। जब फिल हो जाएगा आप इसको ऐसे निकालना है, निकाल के जितना भी कचरा है इधर से निकल जाएगा, और उसके बाद आप इसको धो सकते हैं। और उसके बाद आपको लगाना है आसानी से, सूखने के बाद जस्ट ऐसे लगाना है, तो फिर से ये रेडी हो जाएगा। अभी रहा इस पाइप का बारी, ये देखिए कितना लंबा पाइप है। आपको मैंने पहले बोला ये दो और पाइप आते हैं, ये लगाने से और भी लंबा हो जाता है। और ये जो मेन पाइप है इसमें एक बटन है, ये देखिए, ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, जिससे आप सक्शन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। उसके बाद बारी है ये कारपेट ब्रश का, ये है कारपेट ब्रश। इसमें अभी आपको कोई ब्रश नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है ना, इसको दबाने से आपको ब्रश दिखेगा। देखिए ब्रश आ गया, इसको दबाएंगे फिर से ब्रश चला जाएगा। इसको हाथ से नहीं दबाना है, पैर से दबाना है इसको। तो ये हो गया कारपेट ब्रश, जो बहुत बड़ा है, अच्छे से कारपेट को साफ करता है। इसमें भी दो व्हील है, जो अच्छे से आपके कारपेट में नहीं तो फ्लोर में अच्छे से रन होता है। इसके बाद और एक ब्रश है छोटा वाला, लास्ट में ये रहा कोने के लिए, घर के कोनों पे ये चला जाता है आराम से। तो अभी मैं आपको ये जो केबल है पावर केबल, उसको निकाल के दिखाता हूँ। इसके बहुत लंबा है, और कितना निकालना है उसके लिए इसमें मार्क्स है, आप देखेंगे। अभी एक येलो मार्क आएगा यहाँ पे, ये देखिए एक येलो नहीं तो सफ़ेद मार्क आएगा। इसका मतलब आपको इससे ज़्यादा नहीं खींचना है, अगर गलती से भी आपने इससे भी ज़्यादा खींच लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। एक रेड मार्क आएगा, मतलब इससे आगे आपको नहीं खींचना है। तो हो गया, अभी आपको दिखाता हूँ ये वायर कितना लंबा है। मैं इसको अभी बाहर ले आया, बहुत धूप है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका वायर कितना लंबा है। देखिए कितना लंबा है, देखिए मैं यहाँ पे हूँ अभी, देखिए कितना लंबा है, देखिए कितना लंबा है। तो अभी इसको वायर को अंदर डालेंगे, देखिए। तो अभी मैं इसमें सभी एक्सेसरीज लगा के दिखाता हूँ। पहले आपको ये वाला पाइप डालना है, इसमें पहले से ही वो डस्ट बैग डाला हुआ है, तो इस पाइप के यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये जो एक्स्ट्रा पाइप दिया हुआ था ये वाला, उसके बाद लगाऊंगा और एक पाइप, उसके बाद लगाऊंगा ये जो कारपेट क्लीनर। तो ये लग गया है, और सभी मैंने बोला था ये सब फुट ऑपरेटेड है, जैसे ऑन करने के लिए आप दबाना है आपको ऐसे, और केबल को अंदर डालने के लिए दबाना है ऐसे, मतलब आसानी से हो जाता है ऐसे। और यहाँ पे भी ब्रश निकालने के लिए ऐसे, सब फुट ऑपरेटेड है। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ चावल लिए हैं, 3 कप जैसा चावल लिए हैं। अभी मैं आपको इसका सक्शन पावर दिखाऊँगा, मैं कितना पावरफुल है, और इसको पूरा चावल ये अंदर खींच लेगा, और इसके अंदर में जो बैग है वहाँ से आपको निकाल के मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका पावर। तो देखा आपने, यहाँ पे जो चावल था गायब हो गया। अभी मैं निकालूंगा यहाँ से,
ये देखिए यहाँ पे चावल पूरा चला गया है। अभी इसको खोलेंगे, जो चावल है सब यहाँ पे आ गया। देखिए पहले था यहाँ पे, मैंने खींच लिया, बैग के अंदर गया और बैग से यहाँ निकला। देखिए कितना पावरफुल है दोस्तों। इसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ही बात मुझे खराब लगा, वो है ये बहुत शोर करता है। जब ये रनिंग में होता है इसका मोटर बहुत आवाज़ करता है। इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, मैंने भी इसको नज़रअंदाज किया है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और अमेजोन में ये बेस्ट सेलिंग में जा रहा है, और 2 साल से कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो इसका दाम 4,000 रुपया था, अभी घट के 3,000 हो गया है। तो ये एक अच्छा मौका है, आप इसको खरीद सकते हैं। और ख़रीदने के लिए आपको इसका बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।